नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन असिस्टेंट में सीधी बात मुलाकात। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और पुलिस के द्वारा आपकी जो रिपोर्ट है वो इनवर्ट में सबमिट कर दी जाती है, यानी कि क्लियर नहीं की जाती, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट पर विजिट करना पड़ता है। आपको एक लेटर भी प्राप्त होता है पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं। वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, फिर आपको आरपीओ विजिट करना पड़ता है, फिर आपका जो है रीवेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वहाँ से रिक्वेस्ट जो है डाली जाती है और फिर से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अपने पासपोर्ट अप्लाई करते समय लगाए थे वो ओरिजिनल कॉपी में लेके जाना पड़ता है और आपको एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो क्यों इन्वर्ट में रही, क्यों क्लियर नहीं है, कैसे दिक्कत हुई, सारा कुछ आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डाल दी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दिखाता हूँ, चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे आरपीओ के लिए आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और उसके बाद की जो प्रोसेसिंग है वो आप आरपीओ में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करवा के एक नई पुलिस वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करवा सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है पासपोर्ट ऑफिस के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद कुछ इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। फेक वेबसाइट से आपको अलर्ट रहना है क्योंकि फेक वेबसाइट्स आपकी पैसे को ठगी कर सकते हैं। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको ऑफिशियल पेज पे आना है, इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है, कंटिन्यू, पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है और लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। ठीक से पेज आ जाता है, ओपन हो जाता है। सिंपली यहाँ पे आपको मिलता है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस, इस पे आपने क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को आपको मिल जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन लोगों का जो है एप्लीकेशन यहाँ पे किया गया है। तो जिस भी नाम से आपका एप्लीकेशन है उसे आपने यहाँ से सिलेक्शन करना है और आप यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। जैसे ही हम ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। स्टेटस ट्रैकर में हम आके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन की स्थिति है वो क्या है। तो यहाँ पे स्टेटस में आने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज नॉट क्लियर, एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन हमारी हुई है वहाँ पे पुलिस वालों ने जो हमारी रिपोर्ट है वो गलत कर दी है। उसमें कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ नहीं रहते हो या फिर आप उनसे विजिट नहीं किया या फिर वो आपके घर पे गए तो आप वहाँ अवेलेबल नहीं थे, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो कई बार होता है कि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो पूरी प्रॉपर होती है, यानी कि पुलिस वेरीफाई करती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन रिपोर्ट को पता नहीं क्यों गड़बड़ कर देती है। समझने वाली बात है, आप खुद ही समझ सकते हो क्यों गड़बड़ कर देती है। कई बार सही में आप नहीं होते हो या फिर कई बार आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है, इसके बेस पे भी आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली हमने यहाँ पे पता लगा लिया है कि हमें जो लेटर है वो, ये जो लेटर है मैंने दिखाया आपको पहले भी, ये लेटर हमें प्राप्त हुआ है। इस लेटर के रेफरेंस नंबर से हमें लेटर प्राप्त हुआ है, उस पर लिखा रहता है निर्देश कि आपको कैसे कैसे आगे का जो प्रोसेस है वो करना है। सिंपली हम यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। इससे हमें आना है व्यू एंड सेव्ड एप्लीकेशन, सेम एज यहाँ पे भी आपको मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपने अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड सिलेक्शन कर लेना है यहाँ पे और आपने आना है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आपने तो पेमेंट पहले ही कर दी होगी, शेड्यूल भी किया होगा पासपोर्ट ऑफिस के लिए, तभी तो आप विजिट किए होंगे। अब यहाँ पे आता है कि शेड्यूल अपॉइंटमेंट इंक्वायरी एट पासपोर्ट ऑफिस, इंक्वायरी के लिए हमें इंक्वायरी के लिए ही वहां बुलाया गया है। अब जब हम वहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले तो हमारा जो एप्लीकेशन है यहां पे आ गया, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे जो ऑफिस है उसका एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे कैरेक्टर वेरिफिकेशन आपको करना है, जो कैरेक्टर दिया गया है यानी कि कैप्चा आपको इनपुट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही ये जो डेट है, इस डेट से पहले की जो अपॉइंटमेंट है वो ऑफिस के लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और ग्रीन में जो है वो डेट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक डेट सेलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। सिंपली हमें जो सबसे पहला डेट मिल रहा है 25 का, हम यहाँ पे बुक करेंगे और बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लेंगे। योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज
हियर। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो आरपीओ के लिए बुक हो गई है। अब आपको पीएस के नहीं विजिट करना है, आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, सबका लेखा जोखा वही रहता है। पीएसके में सिर्फ वेरिफिकेशन होते हैं आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, लेकिन जब आपका फाइल वहाँ पे रिव्यू में होता है तो वो आरपीओ में होता है। सो यहाँ पे हमें जो है टाइमिंग भी दी जाती है, यहाँ पे 10:45 से लेके 11 बजे तक हमारी जो है अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। सिंपली हम इस प्रिंट इंक्वायरी अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाता है और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, इस तरीके से आ गया है। अभी प्रिंटर नहीं है तो आप सेव भी कर सकते हैं, फिलहाल इसको सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गई है। इस रिसिप्ट को आपने प्रिंट करना है, इससे रिलेटेड आपको एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी मिल जाता है जिसको पास बोलते हैं। हालांकि इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है कि आपके मैसेज ना हो तो जाने नहीं देंगे, पर ये जो रिसिप्ट है वो आपको एंट्री करते समय दिखाना पड़ेगा, तभी आप अंदर ऑफिस में एंटर हो पाएंगे। अब वहाँ पे आपने क्या करना है, आपका जब भी नंबर आएगा, टाइम आएगा, आपको आपका ना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि पासपोर्ट अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट सामने दिए, जैसे आधार कार्ड, मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड, कुछ भी जो भी दिया, सारा लेके जाना आपने, और सब में इंश्योर करना है आपने कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और एड्रेस सब में समान हो, एक जैसा हो। लेके जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे। अब क्या करेंगे, वहाँ से आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप एक नई पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट वहाँ से छोड़ दीजिए, ताकि पुलिस ऑफिस को वो ऑफिसर को वो मिले और वो फिर से इंक्वायरी करें। जब दूसरी बार आपकी इंक्वायरी हो तो उनको अच्छे से बोलिए कि भैया हमारा जो इंक्वायरी अच्छे से कर दीजिए, एक बार तो आपने गड़बड़ा दिया, अब दोबारा मत गड़बड़ाना। तो इस तरीके से सेकंड पुलिस वेरिफिकेशन इंक्वायरी जो है वो आपके रजिस्टर पते पे, जो भी आपने पता इसमें ऑनलाइन किया है उस पे भेज दिया जाएगा। उस समय आप पुलिस वेरिफिकेशन ठीक से करवा ले, कुछ दिनों के बाद अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच होगा और आपके पते पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी कंप्लीट नॉलेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।